सरकार ने हाल ही में ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले 9.5 साल में हरियाणा के अंदर वो कोई काम नहीं कर पाए, लोगों को अपनी नीतियों से प्रभावित नहीं कर पाए, और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जो कुछ नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि कैसे संविधान को ताक पर रखकर एक सुपर सीएम, मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई संवैधानिक पद नहीं है, विधानसभा से वो इस्तीफा दे चुके हैं, मुख्यमंत्री वो है नहीं इस वक्त, नया कोई संवैधानिक पद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दिया नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार है। लेकिन कल जब एक पट्टिका का उद्घाटन किया जा रहा था, जब एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया जा रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में, ऊपर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम था और उसके नीचे हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नाम था, जो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष का भी अपमान था। सुपर सीएम बन करके स्टैंप, रबड़ स्टैंप सीएम बनाने की कोशिश नायब सैनी जी को की जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक वर्ग विशेष का अपमान भी है, ये एक संवैधानिक पद का अपमान भी है, और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से हरियाणा का पूरी सत्ता और पूरी सरकार चलाना चाहती है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।